सुकेती घाट पर बनने वाले पानी की पाइप के पुल के साथ मंडी शहर के मंगवाई के लोगों ने जिला प्रशासन और विभाग से यहां पर आम लोगों के लिए पैदल या फिर मोटरेबल सड़क की मांग उठाई है। यहां के स्थानीय लोगों ने इस बारे में एक मांग पत्र जिला उपायुक्त और सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग को भी भेजा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि अगर पानी की पाइप के पुल के साथ आम लोगों के पैदल रास्ते का निर्माण किया जाए तो मंगवाई की तरफ जाने वाले लोगों को काफी सुविधा होगी, क्योंकि वे NH-21 से सीधा मंगवाई के लिए पैदल आ सकते हैं। साथ ही जो लोग गाड़ियों पर आते हैं उन्हें भी बाईपास से घूमकर जाने की परेशानी से निजात मिल सकेगी। लोगों का यह भी तर्क है कि मंगवाई में तहसील कार्यालय है, क्षेत्रीय पशु अस्पताल है, साथ ही और भी कई प्रकार के ऑफिस हैं, और अगर यहाँ पर पुल का निर्माण किया जाता है तो आम लोगों के साथ साथ मंगवाई में स्थित कार्यालयों के कर्मचारियों को भी अपने ऑफिस तक बिना गाड़ी और बिना जाम की दिक्कत के पहुंचने में मदद होगी। इसके साथ ही मंडी शहर में बढ़ रहे गाड़ियों के बोझ में भी कमी आएगी। स्थानीय लोगों ने पुरजोर मांग उठाई है कि लोगों की सुविधा को देखते हुए सुकेती पर बनने वाले उहल पेजल परियोजना के पुल के साथ पैदल रास्ते का निर्माण किया जाए। यहाँ पर आज कल पुल का निर्माण कर रहा है, जो कि पानी की पाइप जो उल प्रोजेक्ट की लगी है वो IPH विभाग द्वारा एक पानी की पाइपों के लिए पुल बनाया जा रहा है। तो हम स्थानीय निवासी के तौर पर भी यहाँ डिमांड कर रहे हैं कि इस पुल की चौड़ाई को बढ़ाया जाए, जिससे कि राहगीरों को भी आसानी हो और मोटरेबल छोड़ा जो एम्बुलेंस रोड का भी निर्माण किया जाए, क्योंकि इसकी चौड़ाई बढ़ाने से और मंगवाई की काफी समस्या ट्रैफिक समस्या का भी निजात मिलेगा और यहाँ काफी कार्यालय हैं, जो लोग यहाँ आते हैं उनको भी सुविधा मिलेगी इस पुल के बनने से। तो हम इस बारे में हमने DC साहब को महोदय को भी ज्ञापन दिया था और एक्शन IPH को भी ज्ञापन दिया। ये जो पुल बन रहा है ये इससे अगर अच्छे ढंग से बनाया जाए तो यहाँ लोगों को काफी अच्छी सुविधा मिल सकती है, क्योंकि बाईपास है और बाईपास से आगे लोग जाते हैं तो यहाँ जाम लगता है, तो बहुत से लोग जो है यहाँ उतरते हैं। अगर यहाँ अच्छे ढंग से पुल बन जाए तो यहाँ के जो ऑफिसेज हैं और यहाँ की जो पब्लिक है उसको एक अच्छी सुविधा जो है वो मिल सकती है।